नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों। रायगढ़ जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार यहां के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन यहां जो कांग्रेस की सरकार है वो विकास नहीं सिर्फ हवाई झूठे वादे में जुटी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि जब से बीजेपी सरकार गई और जब से कांग्रेस सत्ता में आई है, सबसे बड़ा नुकसान मेरे छत्तीसगढ़ की माताओं, बहनों और नौजवानों को उठाना पड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार करीब 4 करोड़ लोगों को घर दे चुकी है। हम चाहते थे कि छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को भी पीएम आवास का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार यहां गरीबों के पक्के मकान नहीं बनने दे रही है। उन्होंने कहा कि मेरे परिवारजनों, कांग्रेस जिस तरह घोटालों की राजनीति करती है उससे सिर्फ उसके नेताओं की ही तिजोरी भरती है। यहाँ की कांग्रेस सरकार गरीब कल्याण में बेशक पीछे है, लेकिन भ्रष्टाचार में तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। आगे क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए सुनते हैं पूरा संबोधन और देखते हैं पीएम मोदी की रैली में उमड़ा जनसैलाब। चंद्रकांत पांडे की खास रिपोर्ट। जब से ये लोग बैठे हैं, सबसे बड़ा नुकसान मेरे छत्तीसगढ़ के भाइयों बहनों को उठाना पड़ा है, मेरे नौजवानों को उठाना पड़ा है। केंद्र की भाजपा सरकार बीते 9 वर्षों में देश भर के गरीब परिवारों को करीब करीब 4 करोड़ घर दे चुकी है। कितने, जरा जोर से बोलिए, कितने? 4 करोड़ घर। हम चाहते थे कि छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को भी पीएम आवास योजना का अधिक से अधिक लाभ मिले, लेकिन कांग्रेस की सरकार यहां छत्तीसगढ़ के गरीबों के पक्के घर नहीं बनने दे रही है। महिला कल्याण हो, पीएम स्वनिधि योजना हो, हर घर जल योजना हो, गरीब कल्याण से लेकर युवा कौशल और रोजगार की हर योजना में कांग्रेस ने, यहां की सरकार ने छत्तीसगढ़ को बहुत पीछे पहुंचा दिया है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस जिस तरह घोटालों की राजनीति करती है उसमें सिर्फ उसके नेताओं की तिजोरी भरती है। भरती है ना? भरती है ना? लूट रहे हैं ना? गरीब कल्याण में भले पीछे हो, लेकिन भ्रष्टाचार में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। आप कल्पना कीजिए, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूं, देशवासी भी सोच नहीं सकते, गरीब से गरीब इंसान भी सोच नहीं सकता। आप कल्पना करिए, अगर कोई गाय के गोबर में भी भ्रष्टाचार करे तो उसकी मानसिकता क्या होगी। छत्तीसगढ़ की बहनों से वादा तो किया था शराबबंदी का, लेकिन कांग्रेस ने शराब की बिक्री में ही घोटाला कर दिया। छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से इतना समृद्ध राज्य है, केंद्र की भाजपा सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड योजना बनाई। हमारा मकसद था कि जिन जिलों से खनिज संपदा निकलती है तो उसका एक हिस्सा उसी क्षेत्र में विकास के लिए खर्च किया जाए। हम चाहते थे हमारे आदिवासी बहनों भाइयों को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिले, लेकिन
यहां की भ्रष्ट कांग्रेस सरकार ने इसको भी नहीं छोड़ा। छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को कांग्रेस के उनकी जो पार्टी है ना, वो कांग्रेस के एटीएम की तरह उपयोग किया जा रहा है। एटीएम की तरह झूठा प्रचार और आकंठ भ्रष्टाचार, यही छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार की पहचान है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।